और अगर हम हुकूमतों को बदल सकते तो फिर बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब ज्ञान वापी का मसला शुरू हो गया। तो याद रखिए मेरी इस बात को, आपको पूरा आपको इजाजत है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, मगर मैं बहसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, मैं उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं जिनके सीने में अल्लाह उसके रसूल का कलाम महफूज है, मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, जो मैंने सीखा और सीख रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि हम हुकूमत कभी नहीं बदल सकते। हो सकता है कि इसके बाद लोग कहेंगे कि ये इसने एक नई बात कर दी, कि सच्चाई मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपने मुत्तहिदा अपनी ताकत के जरिए, इत्तेहाद के जरिए दलित तबकों को साथ लेकर, कमजोर तबकात को साथ लेकर। आज भी यकीनन हमारे वतन अजीज में ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो गांधी मौलाना आजाद के पैगाम को समझते हैं, जो आज भी सही मानों में इस मुल्क की खूबसूरती को समझते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है, इसमें बेशुमार मजाहिब के मानने वाले हैं, बेशुमार जबानें बोली जाती हैं, वो इस खूबसूरती को समझते हैं और उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। मगर याद रखिए, अगर आप उसी बात में चले जाएंगे कि नहीं हुकूमत को बदलना, नहीं बदल सकते आप, बल्कि आप तो गवाह हैं इस सरजमीन पर। यहां 27 साल से एक ही जमात बीजेपी कामयाब होती आ रही है, यही कामयाब होती आ रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है, आप इत्तेफाक मत करिए, मगर मेरी इस बात पर जरा सोचिए, मेरी इस बात पर सोचिए, अगर इसमें सच्चाई है तो आप मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी लफाजी कर रहा है तो आप उसको मुस्तरद कर दीजिए, मगर मेरा मानना यह है कि आप अपने वोट से, अपनी समाजी सूझबूझ से, अपने असर और रसूख से आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। यही बात मैं आपको कहने आया हूं, यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, और आपको यह भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी यह बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखें। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारे बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर, कोई किताब लिख देता है, कोई मजामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की ताकत यह है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है, मगर यह ताकत यह चाहती है कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें,
अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अंबेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ ऐसी इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है, ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे दिखाए इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है, क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनका, इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और डराओ और उनसे सिर्फ कहो हुकूमत बदलना है, हुकूमत बदलना। कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते, जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते कि तुमने पत्थर फेंका? ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का है हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या ओएसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ उस मस्जिद में, आओ आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने, मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनज्जम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है, और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआ है औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर के ये जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है ऐवानों में, बातिलों के सामने, जालिमों के सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मजलिस को अपनाइए, आप मजलिस को मजबूत करिए, आप असदुद्दीन ओवैसी का साथ मत दीजिए, आप साबिर भाई का साथ मत दीजिए, बल्कि आप एक मरतबा अपना साथ दीजिए, आप एक मरतबा अपना साथ दीजिए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था उस शेर में कि अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना बन। नहीं, क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। और आखिरी बात कि हां, इल्जाम मुझ पर लगता है और लगता रहेगा, मगर इल्जाम लगाने वालों याद रखो, ये दुनिया फानी है, तुमको भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। मैं भी खड़ा रहूंगा, तुमको अल्लाह के दरबार में इन इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे इल्जाम की कोई फिक्र नहीं, तुम जितना जी भर के इल्जाम लगाते लगाओ, तुम अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, अपने नंबरात को बढ़ाने के लिए तुम इल्जाम लगा रहे हो। मैं जो काम कर रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अपना खातिमा ईमान पे करने के लिए मैं जुदोजहद कर रहा हूं। कामयाबी आज नहीं मिली, कल मिलेगी, अगर कल भी नहीं मिलेगी तो अशर के मैदान में मुझे मिलेगी इंशाअल्लाह। होता है
मुझे अपने अमाल पर भरोसा नहीं है, मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा है, मुझे अल्लाह की फजल पर भरोसा है। और यही चीज है जो हमको यहां तक लेकर आई। अगर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद को छोड़कर गुजरात को आता है, बिहार के सीमांचल को जाता है, राजस्थान को जाता है, तो क्या चीज है? यही चीज है कि यह वक्त ऐसा है कि आपको जमहूरियत में अपनी आवाज को, अपने नुमाइंदों को कामयाब करना। लोग बहुत सी बातें करते हैं, अरे क्या कर लेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान में सिर्फ दो रुकने पार्लियमान है, मैं और इम्तियाज जलील। और अल्लाह का इतना बड़ा करम और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह अरहमान रहीमीन है कि जब कभी भी हम खड़े होकर 5-6 मिनट के लिए गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ के लिए वो आवाज उठाते हैं, तो पूरा पार्लियामेंट खड़े होकर बैठकर सुनता है कि अब ये क्या बोलने वाले हैं। सुनो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, क्या गुजरात की विधानसभा में हम ये मिजाज नहीं पैदा कर सकते? क्या गुजरात की विधानसभा में जब आपके नुमाइंदे जाएंगे तो आपकी आवाज, आपके मसाइल, आपकी तकलीफ का इजहार करेंगे, हुकूमत से उसका सवाल जवाब तलब करेंगे? मगर सिर्फ वोट डालना, वोट डालना, वोट डालने से कुछ नहीं होता, जीतना असल मकसद है। हम सिर्फ वोट डालने वाले बल्कि वोट लेने वाले नहीं बन रहे। जब वोट लेने का मामला आता, नहीं है ये बी टीम है, ये फुला मिलावा है, ये उनसे मिलावा है, इनसे मिलावा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इनके कोई दलायल में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ बोकलाहट का शिकार होकर अपनी अनानियत में और अपनी इज्जत और अपनी ताकत को, जो ताकत जो इनको अल्लाह ने दी, वो समझते हैं कि अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुत्तहिद रहिए, यहां पर बेशुमार मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं। अभी हमारे को बताया गया कि वली गुजराती की खबर को 2002 के फसादात में मिसमार कर दिया गया। जब कोर्ट ने कहा कि बनाओ, तो वहां पर कांग्रेस की सर चेयरमैन था, नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। अब तो कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल साहब मरहूम कि इस दुनिया से चले जाने के बाद तो कोई नाम का भी वहां पर कोई नहीं। मगर यही लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनका काम सिर्फ यही है कि इल्जाम लगाओ, ये डराओ, वो बी टीम है, वो फुला है, अमका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आप मुत्तहिद तौर मुत्तहिद हो जाइए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए और अल्लाह सुभाना व तआला से पूरी उम्मीद रखिए। हमको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। ये हालात हैं, बदलेंगे हालात, याद रखिए आप। जो दुनिया में आया वो जाएगा, वो दुनिया में आया वो जाएगा एक दिन, और हमको अल्लाह से पूरी उम्मीद रखनी है। मुझे यहां पर जब मैं बैठा था तो मुझे बानिए जोबन का एक शेर याद आया। उलमाए इकराम मुझे माफ करें कि बानिए दोबंद ने कहा था, फरमाया था कि मदद कर है करम अहमदी, कि तेरे सिवा कासिम बेकस का कोई नहीं है कारसाज। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने अल्लाह से रिश्ते को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत को मजबूत रखना, और जब ये रिश्ता मजबूत होगा, इन तमाम लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते हैं जो मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम इनके हैं। मगर अब ये जो मुल्क में जो मसाइल हैं, याद रखिए मेरी इस बात को, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। अगर इस अंधेरी रात में आपको चिराग जलाना है, तो आप एक सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए, जो आपकी आवाज बनकर जाएंगे, जो आपके मसाइल को उठाएंगे। अल्लाह ही जानता, गैब का हाल तो अल्लाह जानता है, मगर जो हमको समझ में आ रहा है, ये हालात और बढ़ेंगे, ये तमाम चीजें और बढ़ती जाएंगी, मगर हमको हिम्मत को बुलंद रखना है। और मैं खत्म करने से पहले मुझे किसी ने एयरपोर्ट पर पूछा कि ये डिमोलिशन क्यों हो रहा है, ये ताजमहल के नीचे क्यों देखा जा रहा है, ये ज्ञानवापी के नीचे क्यों देखा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए, जो करना चाहिए। सुना होगा आपने मन की बात, कहा था कि कभी कभी लतीफा बोलना चाहिए।
तो आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या है देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस। डिग्री तो मिलती नहीं है, तो बोले नहीं ताजमहल के नीचे होगी। भाई भारत का प्रधानमंत्री ताज के नीचे होगी, भारत का प्रधानमंत्री ज्ञानवापी के नीचे होगी। प्रधानमंत्री सीरियस मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, वरना फिर कोई एनकाउंटर हो जाएगा। और मीडिया वाला से ही बोल रहे कि हमने जोक किया आपके बादशाह सलामत के ताल्लुक से, मजाक किया, दिल पे मत लीजिए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो उलमाए इकराम, आपका बेहद शुक्रिया, और मैं हबीब साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह से, मैं जब पिछले रमजान में आया था, हमें इसी रमजान में, तो मुझे साबिर भाई ने बताया कि मौलाना हबीब साहब को अल्लाह ने मौका दिया कि वो रमजान में गरीब मुस्तहक लोगों की बेइंतहा मदद करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुभाना व तआला आपसे और काम करें और खूब आप मदद करें, और अल्लाह आपके आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके तमाम साथियों की हिफाजत फरमाए, और उसी तरीके से आप काम करते जारी रखें। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुम अल्लाह तआला अहसन अल-जज़ा। मुकर्रमी सामईन, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ को समाअत कर रहे थे।